ओके जी, तो अब हमारे पास ये जो है चांप का गोश्त कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सफाई है, आप देख रहे हैं हसन भाई कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी भी जगह से रगड़ी जा रहे हैं हर तरफ से ही। ठीक है जी, बहरहाल ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना साफ़ करवाना चाहते हैं कितना नहीं करवाना चाहते। ठीक है, तो मैं ज़रा ज़्यादा साफ़ चाहता हूँ, क्योंकि आपकी एक वीडियो पर ना मुझे ये भी आया था, किसी ने कमेंट किया था, उसने ये कहा था कि लो जी भाई सारा गोश्त वो निकाल के खुद रख लिया उन्होंने, आपको उन्होंने क्या दिया। तो ये सफाई होती है, सफाई करनी होती है, जो गलत चीज़ें नहीं खा सकते आप या नहीं खानी चाहिए, जिससे गोश्त में आपको टेस्ट में भी फ़र्क पड़ जाता है ऐसी चीज़ों से, तो वो निकाल के पहले ही फेंकवा दें आप, क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों हसन भाई ऐसा ही है? अब ये पट्टा ये चबाया तो जाना नहीं है, कहीं इसको भी बीच में काट देते हैं और हमारे पकाने वाली औरतों को भी नहीं पता चलता कि भाई ये हमने बचाना। अच्छा जी, ये हैं रिब्स, ये आ गई हमारी चांपें। ठीक है जी, ये चांप तैयार हो रही है, इसको इस तरह से काटा जाता है। दूसरी चाप आ गई, जल्दी से चलाई जाए इसके पास। और वो पीछे पड़ी होती हैं मुटियाँ, तो साल बाद निकला इनकी बेचारों की तो किस्मत ही साल बाद खुलती है। ले जी, ये हमारी आ गई चांपे भी, चांप का गोश्त। अब चांप के साथ दस्ती भी हम बना देते हैं। नहीं, ठीक है। अब मेरे पास इतना बड़ा थाल नहीं है, नहीं तो वो थाल में लगाते हम हैं, तो बड़ा मज़ा आना था। लेकिन वो इतना बड़ा थाल नहीं ना है, थाल इतना बड़ा हो तो फिर उसमें लग भी जाए। बेटा मेरा खड़ा होकर देख रहा है, मैं आई बस है। ये जो है ये वाली हड्डियाँ, ये भी कई लोगों को नहीं समझ में आती कि कहाँ से कैसे तोड़नी है, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बोटियाँ जो हैं इस पे से किसके साथ बोटी लगी रहनी है। वो करते ही क्या हैं, जो नाड़ी के साथ ही आते हैं ना, वो सारी हड्डियाँ खाली कर देते हैं, ठीक है ना, वो गोश्त उसके साथ रहने नहीं देते। और कई तो ये बकरे की जिस तरह हम बड़े जानवर का शाना निकाल देते हैं, शाने की हड्डी निकाल देते हैं, उसकी रीज़न है वो ना पकता है ना वो किसी काम आता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको जो है निकाल दिया जाता है। तो कई जो आते हैं ना फिर माशाल्लाह बड़े कसाई,
हैं उस्ताद हजरात जो आते हैं वो फिर क्या करते हैं कि इसमें से भी शैनिकेटी निकाल रही होती है, नहीं निकालनी नहीं है, मतलब मैं उस्ताद उनको उस्ताद नहीं कह रहा हूँ, आप शायद मुझे गलत लेंगे, वो बड़े उस्ताद होते हैं ना जिनको फिर ये भी नहीं पता कि कौन सी कहाँ से कैसे किस तरह, बस ये है कि बस चलाई जाओ चलाई जाओ। हाँ तो ये मामला होते हैं। अच्छा ये हड्डियाँ ये तीन आ गई हैं ना उसके साथ अलग अलग से, मछली साइड पे निकल गई और वो गोश्त साथ लगा रह गया, उसके साथ भी और इसके साथ भी।